मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत जल्द नागिन 4 में नजर आने वाली निया शर्मा के वर्कआउट और डाइट प्लान के बारे में। जी हाँ, ईस्टर्न आई 50 सेक्सीएस्ट एशिया वुमन की सूची में तीसरा स्थान पाने वाली 26 साल की निया शर्मा अपनी फिगर को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। कहना गलत नहीं होगा कि निया शर्मा छोटे पर्दे की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं और उनके फैशन सेंस, उनके ड्रेसिंग सेंस को भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। हाल ही में नागिन 4 के प्रमोशन के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने बारे में चौंकाने वाली बातें बताई। जी हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपना वजन मेंटेन किया हुआ है। निया कहती हैं कि लोगों ने मुझे हमेशा ऐसे इंसान के रूप में देखा है जो बिल्कुल फिट है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने खुद को अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है, लेकिन वक्त के साथ शारीरिक वजहों से लोग मोटापा गेन कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में वज़न कम करने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। निया ने बताया कि वो हार्ड कोर एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करती, इसके बजाय वो अपने खाने के पैटर्न को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। उन्हें जॉगिंग करना काफी भाता है। निया ने यह भी कहा कि मैं ज्यादा योगा करना या जिम जाना पसंद नहीं करती हूं क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। इसके बजाय मैं डार्क चॉकलेट और जंक फूड्स को खाना छोड़ना प्रेफर करती हूं। इन सब के अलावा मैं आम तौर पर घर का खाना ही पसंद करती हूं। बात चली जब निया शर्मा के डाइट प्लान की, तो उन्होंने कहा कि वो हमेशा एक हेल्दी और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पसंद करती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि वो वज़न कम करने के लिए पहले कई बार भूखी रह जाती थी, जिसकी वजह से उनकी स्किन और बालों पर इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ। अब वो इस बात को समझ गई हैं कि खाना कितना ज़रूरी होता है, इसीलिए वो वज़न कम करने के लिए हेल्दी डाइट फॉलो करती हैं। आपको बता दें कि निया शर्मा वेजिटेरियन है और इसीलिए वो आमतौर पर घर में बना खाना ही खाना पसंद करती हैं। इसके अलावा वो पेट को भरा रखने वाला अंडा खाती हैं क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और फाइबर मौजूद होता है। वो रोटी के बजाय चावल खाना प्रेफर करती हैं। उनकी डाइट में चीट डेज नहीं होता। हालांकि उन्हें हक्का नूडल्स बेहद पसंद है, लेकिन वो इसके बजाय घर के पके हुए राजमा चावल खाना ज़्यादा पसंद करती हैं। निया कैफीन की दीवानी बिल्कुल नहीं है। वो कॉफ़ी या चाय के बजाय एक ग्लास दूध पीना ज़्यादा पसंद करती हैं। इसके अलावा निया ने ये भी बताया कि वो स्कूल के वक्त से ही एथलीट थी और शुरू से ही वो नेशनल लेवल पर बास्केटबॉल की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं, इसीलिए वो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। इसी वजह से शायद निया अपनी सेहत को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सचेत रहती हैं। जब बात की गई फिटनेस को लेकर उनके इंस्पिरेशन की, तो उन्होंने बताया कि वो अपना प्रेरणा स्रोत शिल्पा शेट्टी को मानती हैं। शिल्पा शेट्टी बच्चे के जन्म के बाद भी पूरे बॉलीवुड में सबसे अच्छी फिगर रखने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वो फिटनेस के मामले में किसी के लिए भी सच्ची प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। उन्हीं की राह पर मैं भी चलना चाहती हूँ क्योंकि मैं ताउम्र फिट और दुबली पतली रहना चाहती हूँ और मेरे बच्चे के जन्म के बाद भी मेरी कमर शेप में रहे, मैं यही चाहती हूँ। तो ये थे निया शर्मा के विचार अपनी फिटनेस को लेकर। आपको बता दें कि निया शर्मा किसी भी तरह का डाइट प्लान फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो सके वो चॉकलेट और जंक फूड से दूर रहती हैं और ये कोशिश करती हैं कि उनका खाना प्रोटीन से भरपूर हो और घर का ही बना हो। तो ये था निया शर्मा की फिट बॉडी का राज। आपको निया शर्मा से जुड़ी ये खास जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को। इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।